आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी पर सारे देश का खास प्रोग्राम और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आइए आगे बढ़ते हैं ग्लोबल इंडिया रिपोर्टर की ओर, जो देश के अलग अलग हिस्सों से आपके लिए लाए हैं महत्वपूर्ण खबरें। पुलिस महानिरीक्षक धार पहुंचकर कई कार्यक्रम में शामिल हुए। धार जिले के 11 थानों को ISO अवार्ड से सम्मानित किया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय, मीटिंग हॉल, टेनिस ग्राउंड का उद्घाटन कर वृक्षारोपण किया। कारम डैम ड्यूटी में कार्यरत पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को भी पुरस्कृत किया। आपको बता दें, पुलिस महानिरीक्षक राकेश गुप्ता इंदौर रेंज आज धार पहुंचे और उन्होंने पुलिस लाइन तथा थानों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने धार पुलिस अधीक्षक कार्यालय, मीटिंग हॉल, टेनिस ग्राउंड का भी उद्घाटन किया। IG इंदौर रेंज राकेश गुप्ता ने धार जिले के 11 थानों को ISO प्रमाण पत्र से सम्मानित किया, जिसमें यातायात थाना, अमझेरा थाना, ढही थाना, गंधवानी थाना, नालछा थाना, राजौत थाना, सरदारपुर थाना, कोतवाली थाना, पीतमपुर थाना, नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पीतमपुर भी शामिल है। इसके अलावा उन्होंने संकट के समय कारम डैम ड्यूटी में कार्यरत पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया। साथ ही गुप्ता ने बताया कि धार जिले की पुलिस प्रशासन का कार्य अत्यंत संतोषप्रद है। उन्होंने ये भी कहा कि धार जिले में 26 थानों में से 21 थाने ISO अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं, जो गर्व की बात है। इस दौरान धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार, नगर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र ध्रुवे, रक्षित निरीक्षक अरविंद दांगी तथा जिले के सभी उप पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी उपस्थित रहे। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए धार से अमर वर्मा की रिपोर्ट। देखिए, आज मैं धार आया था। आज धार में हमारे 10 थाने और एक CSP भवन, कुल मिलाकर 11 ऐसे कार्यालय हैं जो ISO अवार्ड जिन्हें मिला है। और एक बहुत अभूतपूर्व अवसर मैं कहूँगा कि अब धार में 21 थाने हमारे ऐसे हैं जो ISO मिल चुका है। 26 में से 21, लगभग पूरा जिला अब ISO अवार्ड सभी थानों को मिल चुका है। तो एक बहुत अच्छा अवसर था। आज इस अवसर पे मैंने ISO अवार्ड भी सभी को दिया है। इसके अलावा आज यहाँ एक टेनिस कोर्ट में भी बच्चे अच्छे खेलते हुए मुझे मिले हैं। इसके अलावा बॉक्सिंग रिंग में भी बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि बहुत स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ अब धार में क्रिएट हो गई हैं, उसको भी मैंने देखा। और मुझे लगा कि बहुत अच्छा काम पुलिस लाइन के अंदर इन सब चीज़ों को लेकर हुआ है। अब धार पुलिस का कार्य संतोषजनक है और मुझे लगता है कि हमेशा ही पुलिस में हम ये मानते हैं कि हमें हमेशा ही चैलेंजेस मिलते हैं और हर बार नए नए चैलेंजेस मिलते हैं, तो उसके लिए हमेशा हमें कमर कस के रखनी चाहिए। कभी भी कॉम्प्लेसेंट होने की बहुत आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा कार्य धार पुलिस के लोग कर रहे हैं और पुलिस कर्मचारी ऐसे ही अच्छा कार्य करते रहे, ये मेरा आज मैंने सर। देखिए, कारम डैम में भी जब लोगों को एवैक्यूएट करना था और लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखना था, तो पुलिस के ऊपर एक नई जिम्मेदारी थी और मुझे लगता है कि उस पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन धार पुलिस ने और खरगोन पुलिस ने, दोनों ने ही बहुत अच्छे तरीके से किया। आज धार पुलिस के जितने जवान जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनको हमने सर्टिफिकेट दिया।